तो आज हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शंस के हवाले से। और टेक्स्ट फंक्शन के हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ फंक्शंस हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं डेटा को सेट करने के लिए, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्कटेनेट, और ये कुछ फंक्शंस हैं और इसको भी हम जाके अभी सेट करना सीखेंगे। तो एक्सेल के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है फर्स्ट लास्ट। इसमें जो फंक्शन यूज़ होता है वो यूज़ होता है लेफ़्ट, और एक फंक्शन यूज़ होता है राइट, लेफ़्ट, और ये हो गया राइट। अब राइट RIGHT, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, सपोज़ मैं नाम थोड़े से चेंज कर देता हूँ, साजिद अली कर देता हूँ, जतिन कुमार कर देता हूँ, ठीक है, ज़िशान हैदर कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने कुछ नाम अच्छे से कर दिए जो कि पहले भी अच्छे थे लेकिन और अच्छे कर लिए हमने उसको, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने एक सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर आपको ये टास्क दिया जाता है कि ये जो फर्स्ट नेम है इसको अलग कर दो और लास्ट नेम है इसको अलग कर दो। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम को अलग करने के हमारे पास एक टेक्निक जो हम पहले यूज़ करते थे लेफ़्ट और राइट फंक्शन के ज़रिए करते थे। लेफ़्ट और राइट फंक्शन क्या होते हैं वो हम जाएंगे फार्मूला में और टेक्स्ट में जाके क्लिक करेंगे और यहाँ से एक फंक्शन चूज़ करेंगे जिसका नाम है लेफ़्ट। जैसे ही इस फंक्शन पे क्लिक करेंगे लेफ़्ट पर, तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ़ कैरेक्टर में 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि 5 कैरेक्टर फ्रॉम लेफ़्ट साइड रीड करके यहाँ पे राइट कर दो। जैसे ही ओके करूँगा तो ये लेफ़्ट से 1, 2, 3, 4, 5 कैरेक्टर को रीड करके राइट कर देगा। इसी तरह से एक फंक्शन है राइट वाला, अगर उस राइट वाले फंक्शन को मैं एग्जीक्यूट करूँगा और यहाँ से कहूँगा कि भाई इसी सेल का रेफरेंस दूंगा और राइट साइड से 3 कैरेक्टर रीड करके राइट कर दो, तो 3 लिखूँगा और ये राइट साइड से 3 कैरेक्टर को रीड करेगा और राइट कर देगा। चले 5 और 3 तक तो ये बात सही है, लेकिन हर किसी नाम के अंदर 5 कैरेक्टर और 3 कैरेक्टर नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस फार्मूले को ड्रैग करता हूँ तो क्या होगा, अगले नाम पे जतिन और साजिद के कैरेक्टर सेम थे, सही काम हो गया। और अगर मैं इसको दोबारा से ड्रैग करता हूँ तो आगे वाले पे ज़िशान के कैरेक्टर कम थे तो नाम पूरा नहीं आया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ तो ये कुमार भी पूरा नहीं आया, MAR आया, और हैदर का देर आया, HY नहीं आया। तो इसका मतलब ये सोल्यूशन सही तो है लेकिन ये सोल्यूशन 50% है, 100% नहीं है। अब 100% करने के लिए या तो हमें ये करना पड़ेगा कि हर किसी को एडिट करें और जहाँ पे कांस्टेंट नंबर 5 लिखा है वहाँ पे 5 से बुला के ज़िशान में कितने करेक्टर होते हैं, सपोज टू 7 है तो 7 कर देंगे एंटर तो पूरा आ जाएगा, और हैदर में कितने करेक्टर होते हैं 5, तो यहाँ 5 कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। अब इसका 100% सोल्यूशन कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे आपको लेफ़्ट और राइट फंक्शन तो समझ में आ गया, एक और फंक्शन है जिसका नाम है सर्च, और ये लेन और सर्च। ये फंक्शन कैसे काम करता है अगर हम इस पर ये बात करें, मिसाल के तौर पे कि यहाँ पर भी हम थोड़ी देर के लिए दो फंक्शन थे लेन और सर्च, इनको लेना चाह रहे हैं और ये कॉलम को मैं थोड़ी देर के लिए हाइड करना चाह रहा हूँ, ये चीज़ भी सीख लें। बीच में कुछ कॉलम है जिनको मैं अभी यूज़ नहीं करना चाह रहा, उनको हाइड करना चाह रहा हूँ और उन दो आगे वाले कॉलम को इनके बराबर लाना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास एक यहाँ पे एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं ग्रुप, तो वो मिलता है हमें डेटा में जाके और आउटलाइंस के अंदर, यहाँ मिलता है ग्रुप, और ग्रुप में जाके हम यहाँ पे क्लिक करने वाले हैं कॉलम्स पर, ओके कर देंगे तो यहाँ पर एक ग्रुप बन जाएगा। और ग्रुप बनने के बाद मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो ग्रुप जो है उन सेल को माइनिमाइज़ कर देगा और लेन और सर्च वाला कॉलम इनके बराबर में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डी के बाद जो भी कॉलम थे EFGHI 5 कॉलम इस ग्रुप के अंदर हाइड हो चुके हैं। मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो नज़र आएंगे, कॉलेप्स करूँगा तो वो इसके अंदर हाइड होकर नज़र आएंगे। अब मेरे पास दो फंक्शन और आ गए लेन और सर्च, इनके बारे में भी जान लेते हैं। लेन का पूरा वर्ड है लेंथ, और फार्मूला में जाकर टेक्स्ट फंक्शन में हम यहाँ से लेंथ फंक्शन को लॉन्च करेंगे। लेन फंक्शन को जैसे ही लॉन्च करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके टेक्स्ट पर जाके लेन फंक्शन को लॉन्च करेंगे। जैसे ही लॉन्च करेंगे तो यहाँ का सेल का रेफरेंस देंगे, सेल का रेफरेंस देने के बाद ओके करेंगे तो ये जितने कैरेक्टर इसमें लिखे होंगे उनकी क्वांटिटी को रीड करके यहाँ पे राइट कर देगा। बस इसका काम यही है, जैसे ही ड्रैग करेंगे तो सबकी क्वांटिटी को रीड करके राइट करता रहेगा। इसका काम यही है कि ज़िशान हैदर में कितने कैरेक्टर्स हैं विद स्पेस और शिराज़ भट्ट में कितने कैरेक्टर हैं विद स्पेस। इसी तरह यहाँ पर क्लिक करके हम यहाँ से एक और फंक्शन लेते हैं जिसका नाम है सर्च। सर्च फंक्शन क्या काम करता है कि ये हमसे पूछता है फाइंड टेक्स्ट। यहाँ पर आप देखें पहले ही पूछ रहा है फाइंड टेक्स्ट। फाइंड टेक्स्ट में आप कोई भी टेक्स्ट जो इसको बताएंगे वो सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए, तो ये फ्रॉम लेफ़्ट साइड से उसकी पोजीशन आपको रिटर्न करेगा। कैसे रिटर्न करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा आई और विद इन टेक्स्ट में मैंने बताया इस सेल में सर्च करो और इसको मैंने कहा ओके।
तो इसने लेफ्ट साइड से आई को ट्रैक किया, 1 2 3 4, तो आपको आई की पोजीशन क्या रिटर्न करी, 4। हालांकि इसमें एक और आई भी है लास्ट में, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि सर्च फंक्शन ऐसे काम करता है, फ्रॉम लेफ्ट साइड जो फर्स्ट लेटर मिलेगा उसको सर्च करके उसकी पोजीशन आपको बताएगा। अब जिसमें इसको आई की पोजीशन नहीं मिलेगी उधर क्या करेगा, जिसमें इसको आई की पोजीशन नहीं मिलेगी वहाँ पे ये फार्मूले की जगह पे क्या लिख देगा, वैल्यू लिख देगा। इसका मतलब इसको आई वहाँ पे नहीं मिल रहा है क्योंकि सब में आई ही सर्च कर रहा है। इसकी जगह में हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर क्लिक करके दोबारा टेक्स्ट में जाएँ और टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ से सर्च फंक्शन को एग्जीक्यूट करें और यहाँ पर अब हम फाइंड टेक्स्ट के अंदर कोई लेटर या करेक्टर नहीं बताते, ओके उसमें हम सर्च करते हैं स्पेस की पोजीशन। जैसे ही स्पेस का बटन दबाते हैं और यहाँ पे विद इन टेक्स्ट में जाके क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेल का रेफरेंस देंगे और ओके करेंगे तो आपको बता रहा है कि फ्रॉम लेफ्ट साइड स्पेस की पोजीशन जो है वो 6 नंबर पर है। कौन से नंबर पे है, SAJID, डी हो गया 5वां नंबर और स्पेस का पोजीशन हो गई 6ठा नंबर। हाँ, ये यहाँ पे हर किसी की स्पेस की पोजीशन अलग हो सकती है, ज़िशान में स्पेस की पोजीशन अलग होगी, खिजर में स्पेस की पोजीशन अलग होगी, मोहम्मद अनस में स्पेस की पोजीशन डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ से डिलीट करते हैं। अब हम आते हैं 100% फार्मूले के तहत। तो देखें, हमने यहाँ पे सीखा था कि लेफ़्ट फंक्शन को लॉन्च करेंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन लॉन्च हो गया। लेफ्ट फंक्शन जैसे ही लॉन्च होगा सेल का रेफरेंस मांग रहा है, तो हमने कहा इस सेल को रीड करो, उसने कहा ठीक है मैं इस सेल के डेटा को रीड एंड राइट करूँगा। तो इसको हमने बताया था यहाँ पे 5 4 3 2, तो उससे हो ही रहा था कि वो एक ही तरह का डेटा सबका रीड कर रहा था। अच्छा बेटा, ठीक है, वो सबका एक ही तरह का डेटा रीड एंड राइट कर रहा था। अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक फंक्शन को लॉन्च करेंगे जिसका नाम है सर्च। अब देखें फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे लॉन्च करते हैं, बेहतरीन तरीका यही है कि देखें आप इसको नीचे ले आए तो यहाँ पर ये तो बंद पड़े हुए हैं, तो आपको उस फंक्शन की स्पेलिंग लिखनी होगी। तो मैं थोड़ा सा मैग्नीफायर को लॉन्च करता हूँ आपके सामने और उस फंक्शन को मैग्नीफायर को लॉन्च करके आपको फंक्शन लिख के बताता हूँ। तो जैसे ही मैग्नीफायर लॉन्च हो गया तो अब मुझे टेक्स्ट फंक्शन तो यहाँ मिल नहीं रहे, तो मैं क्या करूँगा, जाके SEARCH सर्च फंक्शन को लॉन्च करूँगा। और सर्च फंक्शन को लॉन्च करने के बाद सेकेंड काम मैं ये करूँगा कि ब्रैकेट को स्टार्ट करूँगा। अब ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद उसको मुझे क्या सर्च करवाना है, स्पेस, तो डबल कोटेशंस लगाऊंगा और स्पेस दूंगा और डबल कोटेशन को बंद कर दूंगा। इसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, कॉमा। अब वो पूछेगा विद इन सेल, कौन से सेल में, तो सेल तो वही है हमारा जिसका रेफरेंस ऊपर दिया है B5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपली B5 और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। तो देखो इसने यहाँ पे स्पेस की पोजीशन क्या निकाल के दी हमें, 6, तो मतलब यहाँ पे 6 आएगा। तो B5 वाले सेल में लेफ्ट साइड से कितने करेक्टर को रीड करके राइट कर देगा, 6 को। और जैसे ही ओके करेंगे तो ऑलवेज सर्च फंक्शन जो है वो ये काम करता जाएगा कि वो स्पेस की पोजीशन सबकी निकालता जाएगा, और जैसे ही हम इसको ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पे सबके लेफ्ट साइड से इनको रीड करके पूरा पूरा नाम यहाँ पे ले लेगा, सही है। इसके बाद आते हैं राइट वाले फार्मूले का क्या करें, तो यहाँ पे एक फंक्शन लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा राइट। तो जैसे ही इस फंक्शन को लॉन्च करेंगे राइट, तो इस पर भी यही मसला था कि ये सारे के सारे करेक्टर एक जैसे ही रीड कर लेता था, तो सेल का रेफरेंस देंगे, ठीक है, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर में 5 4 3 2 1 नहीं बताएंगे, बल्कि मैं मैग्नीफायर करता हूँ और आपको फिर से इसको एक सोल्यूशन के ज़रिए हल करके बताता हूँ। अब इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम यहाँ पे जाके एक फंक्शन लिखेंगे जिसका नाम है लेन। लेन फंक्शन के अंदर सिंपल सी चीज़ ये थी कि ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और कहेंगे इस सेल का रेफरेंस ले लो, तो जैसे इस सेल का रेफरेंस लेगा तो वो B5 सेल की लेंथ को कैलकुलेट कर देगा। तो उसने आगे बता रखी कितनी कैलकुलेट करके लेंथ बताइए, 9, कि इस सेल में टोटल कैरेक्टर विद स्पेस कितने हैं, 9। अब कहेंगे माइनस कर दो, तो माइनस क्या करेंगे इसके अंदर से, माइनस करने के लिए हम इसको कहेंगे स्पेस को माइनस कर दो, लेकिन स्पेस को लेने के लिए दोबारा से वही फार्मूला लगाना पड़ेगा कि सर्च करो किसकी पोजीशन, स्पेस की, फ्रॉम किस साइड से, डबल कोट स्पेस और माइनस कर दो उसमें से B5 सेल में से। तो देखो बाकी कितने बचे, 3, तो ये 3 करेक्टर राइट साइड से ले लेगा। तो जैसे ही ओके करेंगे और यहाँ से सबके ऊपर ड्रैग करेंगे और यहाँ से जैसे ही ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा इस पर हल हो जाएगा और आपका 100% सोल्यूशन आ जाएगा कि एक सेल या दो सेल के डेटा को किस तरीके से आप जो हैं वो अलग अलग कर सकते हैं। और ये देखें सारा डेटा आपका बड़े आराम से अलग अलग हो गया, समझ में आई बात। अब इसमें एक चीज़ ये है कि ये चूँकि फार्मूले लगे हुए होते हैं तो फार्मूला जो अपना डेटा ला रहा होता है वो कहीं और से ला रहा होता है, अगर आप वहाँ से उस डेटा को डिलीट करेंगे तो वहाँ से भी वो डेटा डिलीट हो जाएगा,
अब इसका क्या सलूशन है कि डेटा को रोक लें, फार्मूले को ख़त्म कर दें। तो फार्मूले को ख़त्म करके डेटा रोकने का तरीका ये होता है कि डेटा को सेलेक्ट कर लें, होम में जाके यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पेस्ट के नीचे वाले बटन पर क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें, पेस्ट वैल्यूज़ पर या पेस्ट वैल्यूज़ विद फॉर्मेट पर या पेस्ट वैल्यूज़ विद सोर्स फॉर्मेटिंग पर, कोई भी ले लें। इससे ये होगा कि डेटा रिप्लेस हो जाएगा वैल्यूज़ से। तो जैसे ही क्लिक करेंगे फार्मूला रिप्लेस हो गया वैल्यूज़ से। अब आपको यहाँ पे कोई फार्मूला दिखाई नहीं दे रहा। अब आप बड़े आसानी से चाहें तो ये सारा ही सेलेक्ट करके डिलीट कर दें या पूरा ही कॉलम डिलीट कर दें, उसका इम्पैक्ट हमारे डेटा पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गया हमारा एक सोल्यूशन। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ से इसको दोबारा एक्सपेंड कर लेते हैं। अब हम इनको दोबारा से ग्रुप तो कर लिया, अलग अलग कैसे करेंगे? देखें, अलग अलग करने का तरीका ये है कि वापस ग्रुप ख़त्म करने के लिए यहाँ से एक सेल पीछे और एक सेल आगे सेलेक्ट करेंगे और ओके। तो यहाँ से जाके मैं इसको डिस्क्राइब कर लेता हूँ। ओके, तो दोबारा से हम उसको एक्सपेंड जो किया था उसको कोलैप्स कर लेंगे और कोलैप्स करने के बाद एक कॉलम पीछे और एक कॉलम आगे इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि बीच में आ जाएगा ये। और फिर जाएंगे डेटा में और यहाँ से जाएंगे आउटलाइंस में और यहाँ से क्लिक करेंगे अनग्रुप। ये बेटा जैसे हम मिनिमाइज मैक्सिमाइज करते हैं ना, तो ऐसे ही इसको एक्सपेंड करेंगे तो बीच के कॉलम नज़र आने लग जाएंगे, कोलैप्स करेंगे तो वो बीच के कॉलम हाइड हो जाएंगे। ग्रुप किया था ना हमने शुरू में, अब उस ग्रुप को ख़त्म करना सीख रहे हैं। तो सेलेक्ट करेंगे यहाँ से इस तरीके से और यहाँ से जाएंगे डेटा में आउटलाइन में, यहाँ से अनग्रुप करेंगे, अनग्रुप करेंगे और यहाँ से कॉलम पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो देखें यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी मसला ये हुआ कि वो तो इसके अंदर छुपे रह गए। अंडू करते हैं कंट्रोल जेड से और एक दफ़ा इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद दोबारा से ऐसे करके सेलेक्ट करते हैं उस एरिया को जो ग्रुप हुआ हुआ है और उसको सेलेक्ट करने के बाद दोबारा जाके ग्रुप पर क्लिक करते हैं, अनग्रुप पर क्लिक करते हैं और यहाँ से क्लिक करके अनग्रुप को कॉलम पे क्लिक कर देते हैं। तो अब देखें हमारे कॉलम्स जो हैं नॉर्मल हो गए। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है कॉन्कटनेट। जिस तरह से आपके पास एक टास्क इस तरह का दिया कि आपको एक कॉलम के डेटा को दो कॉलम में डिवाइड कर दिया, एक टास्क आपको ये भी मिल सकता है बाज़ अवकात कि दो कॉलम या दो से ज़्यादा कॉलम के डेटा को एक कॉलम में कैसे करना है। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं कॉन्कटनेट। तो फार्मूला में जाएंगे, टेक्स्ट फंक्शन में क्लिक करेंगे, कॉन्कटेनेट पे क्लिक करेंगे, पहले सेल के डेटा को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ जाके दूसरे सेल के डेटा को क्लिक करेंगे और इस तरह आगे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, नवां जो भी करना है वो कर सकते हैं। इसको ओके करेंगे तो ये देखें दोनों कॉलम का डेटा एक होके इधर आ गया और इसको जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ये सारे कॉलम के डेटा को एक कॉलम में करके आपको दिखा देगा। ऐसा भी हो सकता है कुछ कॉलम का डेटा आगे पीछे है, उनको आगे पीछे के बजाय आप एक तरतीब बना के यहाँ लेना चाहें तो कॉन्कटेनेट फंक्शन से वो भी कर सकते हैं। कॉन्कटेनेट फंक्शन के बाद हमारे पास अपर लोअर के फंक्शंस हैं। तो इस पर क्या काम करते हैं, पहले मैं इस पर कॉपी क्लिक करके पेस्ट वैल्यूज़ कर लेता हूँ। अपर केस फंक्शन हमारा क्या काम करेगा, मिसाल के तौर पे एक कॉलम में डेटा है जो आपने एक्सेल के अंदर स्मॉल लेटर्स में लिख दिया है और उसको आप कैपिटल में करना चाहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो हम चेंज केस करके कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई ऐसी कमांड नहीं है। उसके लिए हमारे पास फंक्शन है जो हमें टेक्स्ट फंक्शन में मिलता है और उसका नाम है अपर केस। तो यहाँ से हम अपर केस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, यहाँ से हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखें सारा डेटा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं दोबारा से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट वैल्यूज़ कर देता हूँ। फिर यहाँ से अगर आपको कैपिटल लेटर में डेटा मिल जाता है और उसको स्मॉल में करना है तो यहाँ से आप जाएंगे फार्मूले पर, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे लोअर केस पर। तो जैसे ही लोअर केस पर क्लिक करेंगे आई जी के एल एम एन ओ पी क्योर, तो लोअर पे क्लिक करके जैसे सेल का रेफरेंस देंगे ओके करेंगे तो ये डेटा आपका आ जाएगा किसके अंदर, छोटी एबीसी के अंदर। इसी तरह से मैं इस डेटा को भी कॉपी करके पेस्ट वैल्यूज़ कर लेता हूँ। और फिर आगे आता है प्रॉपर केस। प्रॉपर केस में ये होता है कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल आपको रिक्वायर्ड है। तो फार्मूला में जाके टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक फंक्शन लेंगे जिसका नाम है प्रॉपर और सेल का रेफरेंस करेंगे, जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो ये देखें सारा डेटा इस तरीके से एक वर्ड का कैपिटल होके आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह प्रॉपर केस से हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होके आपके सामने दिखाई देने लग जाएगा। तो इस तरह प्रॉपर, अपर, लोअर तीनों का इस्तेमाल हम इस तरह कर सकते हैं। होम में जाके इसको भी कॉपी करके पेस्ट वैल्यूज़ कर देता हूँ। फिर एक फंक्शन आता है ट्रिम। ये क्या काम करता है, बाज़ अवक़ात कभी डेटा आपको कुछ ऐसी हालत में मिल जाए जिसमें शुरू में स्पेस ज़्यादा हो, बीच में स्पेस ज़्यादा हो या स्पेस आखिर में ज़्यादा हो, तो इस तरह के डेटा को करेक्शन करने के लिए आपको एक एक को काफ़ी टाइम लग जाएगा
और उस टाइप के डेटा को सही करने का तरीका ये है कि आप ट्रिम फंक्शन जैसे ही लगाएंगे वो लीडिंग स्पेस यानी कि शुरू वाले स्पेस, मिड स्पेस यानी कि बीच वाले स्पेस और एंडिंग स्पेस को भी ऑटोमेटिकली वो इसके अंदर सेट कर लेगा। तो वो किस तरह से करेगा कि पहले हमने ये डेटा आपके सामने थोड़ा सा मैंने ख़राब कर दिया है, अब इस डेटा को करेक्ट करने के लिए हम यहाँ ट्रिम फंक्शन पर आएंगे और यहाँ फार्मूले में जाके एक फंक्शन लॉन्च करेंगे जिसका नाम है ट्रिम। जैसे ही हम इस ट्रिम फंक्शन पर क्लिक करेंगे, सेल का रेफरेंस करेंगे और ओके करेंगे, तो यहाँ पर ड्रैग करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका डेटा करेक्शन फॉर्म में आ जाएगा। जैसे ही डेटा आपका करेक्ट फॉर्म में आ जाएगा तो यहाँ पर क्लिक करके आपको डेटा इस तरीके से दिखाई देने लग जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करके ये हमारा डेटा करेक्ट फॉर्म में आ जाएगा। क्लिक करके होम में जाएंगे, यहाँ से कॉपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ से पेस्ट वैल्यूज़ करेंगे तो डेटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट होके आपको नज़र आने लग जाएगा। फिर हम चलते हैं आगे मिड फंक्शन की तरफ। देख क्या चेयर्स नहीं है तो दे दो इनको। मिड फंक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मिड फंक्शन पर कैसे काम करते हैं, तो मिड फंक्शन के लिए हमें काम करने के लिए सपोज टू बी यहाँ पर हमें आपने देखा कि मैंने यहाँ पर डेटा को अलग अलग किया है, तो मैंने कुछ स्कूल्स के नाम यहाँ लिखे हैं, जैसे कि स्कूल है मेमन शदादपुर, स्कूल फातिमा शदादपुर, स्कूल सिटी शदादपुर, स्कूल हाई शदादपुर, एक और लिख लिया हमने स्कूल सुपीरियर RIOR शहदादपुर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ डेटा को यहाँ पे पुट कर रखा है। अब यहाँ पर देखिए कि मिड फंक्शन क्या काम करेगा हमारा। देखिए लेफ़्ट फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्लिक किया फार्मूला में, लेफ़्ट पे क्लिक किया और हमने कहा कि भाई इस सेल का डेटा रीड करो और इसमें से लेफ़्ट साइड से 1 2 3 4 2 3 3 6 करेक्टर्स को रीड करके यहाँ पर ओके कर दो। तो जैसे ही यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर जो है सबका डेटा यहाँ पर राइट हो गया। अब यहाँ पे राइट वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे और राइट वाला फंक्शन यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही राइट पे क्लिक करेंगे, सेल का रेफरेंस देंगे और शहदादपुर का डेटा, ओके SHAHDADPUR शहदादपुर के 10 करेक्टर को राइट साइड से रीड करके राइट कर दो और ओके करेंगे, तो ये राइट का डेटा यहाँ पर आ गया। अब सवाल होता है कि बीच में से अगर डेटा को रीड करके राइट करवाना है तो कैसे करेंगे। बीच में से डेटा को रीड करके अगर राइट कराना है तो उसका तरीका यह है, एक और फंक्शन है जिसका नाम है मिड। जैसे ही मिड फंक्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेल का रेफरेंस देंगे, स्टार्ट नंबर पोजीशन बताएंगे कि कहाँ से रीड करना शुरू करना है। तो हमने बताया कि भाई स्कूल में होते हैं SCHOOL 6 करेक्टर, सातवां हो गया स्पेस, आठवें करेक्टर से रीड करना शुरू करना है, यानी कि स्टार्टिंग नंबर पोजीशन 8 करेक्टर है और नंबर ऑफ करेक्टर में 1 2 3 4 5 पाँच करेक्टर को रीड करना है और ओके कर देना है। तो जैसे ही इसको ड्रैग करेंगे तो पाँच करेक्टर मेमन के आ गए, फातिमा में कितने चाहिए होंगे, फातिमा में FATEMAH 2 7 7 करेक्टर्स चाहिए होंगे तो यहाँ पर आ गया, और सिटी का सही आ गया, हाई का सही आ गया, सुपीरियर में 2 कम पड़ गए तो यहाँ पे हम 7 कर देंगे। तो देखें मिड के डेटा को भी हम इस तरीके से, थैंक यू, तो यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया। तो यहाँ पे देखें 8 करेक्टर्स को हमने मिड से रीड कराया। तो हमने देखा कि किस तरह हम लेफ़्ट से राइट से मिड से डेटा को रीड करा सकते हैं। इसके अलावा एक और टास्क है जो मैं आपको भी देता हूं करने के लिए, जो आपने करना है इस पर बैठ के।